हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका। इंडियन फ्लेवर्स बाय प्रियंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखिए मैंने आज क्या बनाया है, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने छील करके तब उबाला था। और यहाँ पे कुछ मसाला ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 चम्मच जीरा है, तो 1 चम्मच जो है सूखी हुई हरी धनिया है, धनिया के बीज, और 7 से 8 हरी मिर्च है, 3-4 जो है यहाँ पर लहसुन की कलियाँ, और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली। इन सबको मैं अच्छे से कूट लूँगी। देखिए इस तरह से इसका कूट करके तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है, जिसमें मैं 2 चम्मच यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या तेल जो भी आप यूज़ करते हैं डालेंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा तड़कने लगे तो उसमें ये उबले आलूओं को ऐसे हाथ से मैश करके हम मिला देंगे। देखिए बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है दोस्तों, एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि कहाँ से देख रहे हैं आप मेरी ये रेसिपी। और ये जो मैंने कुटा हुआ मसाला था उसको भी इसमें ऐड कर लिया है, कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी, नमक और यहाँ पर लाल मिर्च कुटी हुई ऐड की है। मेरी मिर्चें जो हैं हरी वाली जो मैंने यूज़ की थी वो बहुत कम तीखी वाली हैं। अगर आपकी तीखी वाली हैं तो अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। लास्ट में मैंने यहाँ खटाई यूज़ की है, इसका मतलब अमचूर मैंने यूज़ किया है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब एक छोटा सा पैन या कोई भगोना ले लेंगे, उसमें मैं यहाँ पर आधा कटोरी करीब बेसन ले रही हूँ। जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हल्दी, नमक और अजवाइन ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसमें एक पेस्ट जैसा हम बना लेंगे। देखिए इस तरह का पेस्ट बना लिया है मैंने, और इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम साइड में छोड़ देंगे। देखिए इस तरह का यह पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब एक चटनी बनाएंगे, जिसमें मैंने हरी धनिया, हरी मिर्चा, हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ज़्यादा यूज़ की है क्योंकि मेरी हरी मिर्चें तीखी नहीं है, पुदीना, लहसुन और यहाँ पर थोड़ी सी ये नमकीन है, जो सेव वाली नमकीन होती है वो ऐड की हुई है। नमक डाल दिया और थोड़ा सा काला नमक डाल करके बिना पानी डाले हुए, अगर पानी की आवश्यकता होगी तो थोड़ा थोड़ा 2 चम्मच पानी डाल करके सूखा सा यहाँ पर हम ऐसे पेस्ट जैसा बना लेंगे। ये देखिए बन के तैयार हो गया। यहाँ पर मैं आधा नींबू यहाँ पर निचोड़ लूँगी। बहुत अच्छा ये चटनी ऐसी सूखी सूखी सी तैयार हो गई है। अब जो मैंने आलू फ्राई किया था वो एक ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। चम्मच थोड़ा बड़ा था तो इसलिए मैं इसको चेंज करके थोड़ा छोटा सा चम्मच ले लूँगी, क्योंकि स्प्रेड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। ये देखिए इस पे आलूओं को अच्छे से पूरा हम स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। अगर आप इसको पहले से तैयार करके रख लेते हैं तो घर में छोटी पार्टी हो, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी, कोई भी पार्टी हो उसके लिए आप ये तैयार करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो हरी चटनी बनाई थी उसको भी मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ हल्का हल्का। बहुत ही तीखा चटपटा सा इसमें स्वाद आ जाता है। और इसको जो आलूओं वाला इसमें मैंने ब्रेड लगाई थी आलू वाली, अब इसको मैं चटनी वाले के ऊपर इस तरह से कवर कर दूंगी। देखिए इस तरह से अब ये चटनी लगी हुई ब्रेड को भी मैं इस पर लगा दूंगी। अब एक और ब्रेड लेंगे यहाँ पर हम, और ये जो सॉस मैंने रखा हुआ है ये ऑप्शनल है लेकिन अच्छा लगता है अगर आप लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम इस वाले ब्रेड पे ये टमाटो सॉस स्प्रेड करेंगे। और यहाँ पर बता दूँ मैं, जो ये मैंने मसाला तैयार किया था आलूओं में मिला करके, जो आलू का मसाला तैयार किया है ये सैंडविच बनाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनता है अगर आप ऐसे बनाते हैं। और जो आलू वाली साइड है उसके दूसरे साइड से हम ये टमाटो सॉस लगा हुआ ब्रेड इसमें हम चिपका देंगे, और एक चाकू ले करके यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। आप अपने अनुसार जैसे आपको शेप काटनी हो उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। मैं यहाँ छोटे छोटे बना रही हूँ तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको कट किया है। बाज़ार में ट्रायंगल शेप के मिलते हैं बड़े बड़े से, आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन सर्व करने में छोटे छोटे से बहुत आसानी होती है। अगर बच्चों की पार्टी की है तो इतने बड़े बड़े बहुत ही सफिशियंट है, बच्चे आराम से इसको खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने घोल तैयार किया था देखिए अच्छे से फूल चुका है। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद ये अच्छे से फूल जाता है, बहुत ही अच्छा मतलब बनने पे ये बनता है। अगर तुरंत बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद में ये आलूओं का जो मैंने ये स्टफिंग ये ब्रेड में तैयार की थी इसको मैं ये बेसन में कोट कर दूंगी। देखिए इस तरह से इसको कोट कर लेंगे। और इधर कढ़ाई मैंने गर्म करके पहले ही से रख दी थी, तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म है और यहाँ पर हम इनको
तलना स्टार्ट कर देंगे। देखिए छोटा छोटा है तो तल भी आराम से जाएगा, थोड़े से तेल में भी आप तल सकते हैं, और अगर चाहें तो ट्रायंगल शेप वाला भी बना सकते हैं अपने अनुसार इसमें शेप करके। और आप इसमें स्टफिंग भर के और इसको तैयार करके रख लीजिए, जब गेस्ट आएँ तब इसको जो है आप